हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अमाइनो एसिड्स बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है अमाइनो एसिड इस वीडियो में हम अमाइनो एसिड क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन ऑन केमिकल बेसिस एज वेल एज न्यूट्रिशनल बेसिस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स ये देखने वाले हैं तो यहाँ देखिए अमाइनो एसिड्स होते क्या है यहाँ पे डेफिनेशन है अमाइनो में कार्बन होते हैं जो कार्बन से बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन बोथ अमाइनो ग्रुप विच इज बेसिक इन नेचर एंड एसिड ग्रुप विच इज एसिडिक इन नेचर ये जो दो अमाइनो ग्रुप और एसिड्स है तो ये एसिड ये दोनों ग्रुप से मिलाकर बना हुआ है अमाइनो एसिड्स इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये देखो ये देखिए ये जो है जनरल फॉर्म है अमाइनो एसिड्स का कार्बन एक कार्बन को जिसको वन साइड में ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक साइड में अमाइनो एसिड होता है तो डेफिनेशन में हमने वही कहा बोथ दर्बोक्लिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप व्हिच इज बेसिक इन नेचर एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप व्हिच इज एसिडिक इन नेचर और एक साइड में हाइड्रोजन रहता है और आर यहाँ पे जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रहेगा टोटल ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स है वो फाइंड आउट हुए हैं तो ट्वेंटी यह है यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सब्सिट्यूशन होंगे ये ये हुआ जनरल फॉर्म ऑफ एसिड और है आयन फॉर्म ऑफ आयन से पॉजिटिव एंड निगेटिव अगर हम यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखते तो यहाँ निगेटिव साइन देते हैं और यहाँ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन देते हैं ये हो गया आपका आयोनाइजेशन फॉर्म और ये जो अमाइनो एसिड्स है उनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं यानी कि ये जो प्रोटीन है अमाइनो एसिड से बनाया है बना बनता है कैसे तो पेप्टाइड लिंकेज होती है उससे अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं और प्रोटीन फॉर्म होता है इसलिए हम अमाइनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि अमाइनो एसिड्स है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है 20 अमाइनो एसिड में से कोई कोई स्वीट्स हो सकते हैं कोई टेस्टलेस भी हो सकते हैं और बिटर भी हो सकते हैं सो इट कैन बी स्वीट टेस्टलेस और दBitter नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ देम सोलुबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट

अमाइनो एसिड है जो कि जिसके आर में डिफरेंट डिफरेंट सब्सटीट्यूशन होते हैं जब हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन होते हैं तो ये कार्बन के दोनों साइड सेम हो गई इसलिए जो ग्लाइसिन है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और बाकी के जो सब अमाइनो एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ये जो क्लासिफिकेशन है ये है। है। है तो इन यहाँ पे देखिए उसमें पहला एलिफेटिक साइड चेन एलिफेटिक साइड चेन यानी ओपन चेन कार्बन की ओपन चेन उस सब्सटीट्यूशन जो आर लिखा था हमने स्ट्रक्चर में वहां एलिफेटिक कार्बन की चेन अटैच होंगी नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग जिसके स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग जिसके स्ट्रक्चर में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नेक्स्ट है एसिडिक अमाइनो एसिड जो अमाइनो एसिड एसिडिक नेचर होते हैं वो एसिडिक अमाइनो एसिड में आते हैं और जो अमाइनो एसिड बेसिक होते हैं नेचर बेसिक नेचर होता है उनका वो बेसिक एसिड में आते हैं और लास्ट है एरोमेटिक अमाइन एसिड एरोमेटिक यानी एरोमेटिक रिंग जो क्लोज रिंग होते हैं जैसे कि बेंजीन वगैरह वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो इनको कहते हैं हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड तो यहाँ एक ट्रिक है ट्रिक से आप इस क्लासिफिकेशन को याद रख सकते हैं। तो देखिए एक जो गवली है गवली नाम का पर्सन है वो एस बस होती है अपनी महामंडल की उस बस में गया। बैठ गया क्यों बैठा? को मिलने के लिए जा रहा था इसलिए एस बस में बैठ गया तो क्या हुआ आग लग गई बस को बस को आग लगने के कारण उसके बहुत हाल हो गए और उसका डबल टाइम पास हुआ ये ट्रिक आपको याद करनी है गवली एस में बैठा क्यों सीएम को मिलने के जा रहा था इसलिए तभी क्या हो गई गई आग लग बस को और उसके बुरे हाल हो गए उसका जो हुआ डबल टाइम पास हुआ डबल टाइम पास है ने? डबल टी और डबल पी तो यहां देखिए जी एल आई गवली तो जी फॉर ग्लाइसिन एलानिन वैलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन ये जो ग्लाइसिन है ऑप्टिकली इनएक्टिव है बाकी पूरे अमाइनो एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये हो गए गौली आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग में आते हैं एस टी एस टी महामंडल की बस आपको याद रखनी है एस फॉर सीरिन और थ्रियोनिन नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग कंटेनिं, सीएम सीएम यानी कि सिस्टीन और मिथियोनिन नेक्स्ट है एसिडिक अमाइनो एसिड ए ए जी जी आग एस्पार्टिक एसिड एस्पैराजाइन ग्लूटामिक एसिड एंड डी ग्लूटामिन नेक्स्ट है बेसिक अमाइनो एसिड में आते हैं हाल एच एल हिस्टिडीन अर्जिनिन एंड डी लाइसिन और लास्ट में आते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिस जिसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है बेंजीन या और दूसरे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट रह सकते हैं तो उसमें आते हैं टाइरोसिन ट्रिप्टोफेन प्रोलिन ऑन बेसिस, ऑन केमिकल बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड इसके बाद हम देख, देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड है न्यूट्रिशनल पे न्यूट्रिशनल बेसिस इसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं तो यहाँ पे जो दो मेन क्लास है यहाँ पे दो ही मेन क्लास है इसेंशियल एंड नॉन दॉन इसल असिड इसलिड अमाइनो एसिड को हम अमाइनो एसिड भी कहते हैं और ये जो नॉन इसशियल अमाइनो एसिड है इनको हम डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड कहते हैं तो इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं देखेंगे पहले ये जो इसल इसशियल यानी जरूरत है उसकी

डाइट से लेना पड़ता है और वो इम्पोर्टेंट है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी ये जो है मीट एग ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जिसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उस डाइट को हम कंज्यूम करें तो वो बन गए हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड नेक्स्ट है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जिनको हम डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड भी कहते हैं ये जो अमाइनो एसिड है वो सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में वो सिंथेसाइज होने के कारण हमारे को डाइट से नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ती वो जो ह्यूमन बॉडी में है ऑलरेडी सिंथेसिस होते हैं तो या देखिए बाद में आपको ये एग्जांपल देखने हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड कौनते हैं और नॉन एसेंशियल कौन से हैं तो यहां पे एक ट्रिक्स है ये देखिए जैसे आप याद कर सकते हैं ए वी हील एमपीटीटी ए वी नाम का लड़का है जो हील्स पे गया एमपी के हिल्स पे गया ट्रीज की पिक्चर लेने के लिए टी टी यानी ट्रीज आपको याद रखना है एवी नाम का लड़का है पे पे गया, हील्स पे गया, एमपी के ट्रीज़ की फोटो खींचने के लिए तो आप यहाँ से इस डायग्राम से आप याद रख सकते हैं ये ट्रिक्स एवी हिल एमपी टी टी ए फॉर अर्जिनिन वैलिन हिस्टिडीन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन लाइसिन मिथियोनिन फिनिल एनालिन एंड थ्रियोनिन एंड लास्ट इज ट्रिप्टोफेन ये जो सब है इसेंशियल अमाइनो एसिड है ये बहुत जरूरी है बॉडी के लिए ये जो है बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते इसलिए हम डाइट से लेते हैं इनको बाद में यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड तो यहाँ पे एक ट्रिक है जैसे एक बच्ची है घर पे अपने पापा को बोल रही है पापा कैट पास आ गई कैट पास आ गई तो ये देखिए सी एटी कैट पी एस पास आ गई ग्लूटामिन इस ट्रिक से आप ये जो क्लासिफिकेशन है याद रख सकते हैं ये जो क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड है जिसको हम ऑन न्यूट्रिशनल बेसिस भी कहते हैं इसके बाद में नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टोटल 20 अमाइनो एसिड्स तो उसमें पहला हमने देखा था जैसे कि क्लासिफिकेशन में गवली जी फॉर ग्लाइसिन ग्लाइसिन में ये जो हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर आयंस फॉर्म में फर्स्ट इंट्रो में देखा था अमाइनो एसिड के जहाँ एक साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा कार्बन के दूसरे साइड में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक साइड में हाइड्रोजन और जहाँ आर था वहाँ सब्सटीट्यूशन लगा होगा तो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में आर की जगह एच आता है तो यहाँ आप पूरे स्ट्रक्चर को कंपेयर करके ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कॉम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसके दो साइड में हाइड्रोजन है बाकी कौन से भी अमाइनो एसिड के साइड में ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा इसलिए जो है ग्लाइसिन एक्सेप्ट है ऑप्टिकली एक्टिव के लिए नेक्स्ट है एलानिन एलानिन में सब्सटीट्यूशन होता है मिथिल ग्रुप देन है वैलिन वैलिन में ये जो है प्रोपेन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा ये जो ऊपर का है वो सेम रहेगा पूरे स्ट्रक्चर में और जो कलरफुल में दिया गया है वो सब्सटीट्यूशन उसमें किया गया है नेक्स्ट है ल्यूसिन ल्यूसिन में देखिए सी एच CS3, CS3, एक यहाँ, की अटैच हुई है लूसिंग के बाद स्ट्रक्चर सेम है ओ, ए जो है यहाँ सी एस थ्री एक्स्ट्रा का सीएस टू एड हो गया है यहाँ ए कार्बन पे ए फर्स्ट ए सेकंड कार्बन पे सी एस थ्री ग्रुप एट अटैच हुआ है इसलिए जो है आइसो होता है सेकंड कार्बन, ए और सेकंड, सेकंड कार्बन पे मिथिल ग्रुप एक्स्ट्रा का आया हुआ है बाद में यहाँ देखिए मिथियोनिन 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 जो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है यहाँ देखिए सी एस टू सी एस टू यस सी एस थ्री ये जो लॉन्ग चेन है ओपन वाली कार्बन की ये सी एस टू सी एस टू यस सी एस थ्री ये जो अटैच हुई है में उसके बाद में है सी एम सीटीन और मिथियोन जो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है सिस्टीन में देखिए सी एस टू एस एच एड हुआ है बाद में ये जो है एस टी हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग है जो आर की जगह क्या आएगा इसमें सी एस टू ओ एच और थ्रियोनिन में आता है सी एच ओ एच सी एस थ्री ये जो पूरा फॉर्म सी एच ओ एच सी एस थ्री थ्रियोनिन में आता है बाद में है ये जो प्रोलिन है और ये तीनों ये जो है एरोमेटिक में आते हैं तो यहाँ देखिए बाद में एसिडिक एसिडिक में एस्पराजाइन ग्लूटामाइन एस्पेटेट एंड देखिए स्ट्रक्चर नियर अबाउट सेम है ओनली वन कार्बन एक्स्ट्रा एड हुआ है ये देखिए ये जो सी एच टू है एस्पेराजाइन और ग्लूटामाइन में एक ही डिफरेंस है यहाँ पे एक्स्ट्रा का सी एस टू एड किया गया है स्ट्रक्चर पूरे सेम है सेम वैसे यहाँ पे एसपैटेट और ग्लूटामेट है सी एस टू ग्रुप एड हुआ है स्ट्रक्चर सेम है यहाँ पे आप सी एस टू सीओ जो की एसिटिक एसिड आसेट का स्ट्रक्चर है वो एड किया गया है इसे आप आयन फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर जनरल फॉर्म में भी ये स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं तो नेक्स्ट जो है बेसिक अमाइनो एसिड में आते हैं हाल जैसे कि हिस्टिडिन और दिलाईसिन हिस्टिडिन रिंग या जो है इमिडाजोल रिंग अटैच होती है जिस इमिडाजोल जिसके फर्स्ट और थर्ड कार्बन थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो जो होती है इमिडाजोल रिंग तो यहाँ इमिडाजोल रिंग जो है अटैच हुई है विथ सी एस टू ग्रुप और ये जो जनरल फॉर्म है कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप हाइड्रोजन एंड दिस इज द सब्सटिट्यूट ग्रुप उसके बाद में देखिए अर्जिनिन अर्जिनिन की जो चेन है एसिड में जो चेन है वो लंबी है तो अर्जिनिन को आप वैसे रिलेट कर सकते हैं जिसमें थ्री कार्बन की लॉन्ग चेन है और ये स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड एन एच टू और सिंगल बॉन्ड एन एच और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एन एच टू ये जो है अर्जिनिन का स्ट्रक्चर है बाद में यहाँ देखिए लाइसिन लाइसिन के स्ट्रक्चर में फोर कार्बन की स्ट्रेट चेन अटैच हुई है जिसके साथ लास्ट में NH2 टू और NH3+ थ्री प्लस ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद लास्ट में आते हैं ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिसमें आते हैं फिन प्रोलिन टाइरोसिन ट्रिप्टोफेन। फिन का स्ट्रक्चर देखिए बेंजिन रिंग है और सी एच टू बेंजीन रिंग ग्रुप अटैच हुआ है और टायरोसिन के फेनिल एनालिन और टाइरोसिन का स्ट्रक्चर नियर अबाउट सेम है ओनली ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैच हुआ है प्रोलिन में देखिए प्रोलिन में ये जो है सीएस टू सी एस टू सी एस टू की ये चेन फॉर्म एरोमेटिक है इसलिए वो क्लोज रिंग फॉर्म यहाँ बनी हुई है के बाद में रह गया लास्ट में ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफैन में देखिए मेन बेन्न रिंग है स्ट्रक्चर अझोल अझोल विदिन रिंग एंड ये जो है सी एस टू सी एच टू सी एस टू सी एस टू ये जो है और यह भी सी एस टू कॉमन है एरोमेटिक रिंग एरोमेटिक अमाइन एसिड में आपको रिंग याद करनी है यहाँ पे फिडेन में बेंजीन रिंग होती है तो टाइरोसिन में बेंजीन रिंग विथ हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और ट्रिप्टोफेन में बेंजीन रिंग विथ अजोल तो ये हो गए पूरे स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है ये जो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है वो एक्सेप्शनल है फॉर ऑप्टिकली एक्टिविटी बाकी के जो सारे अमाइनो एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू